बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आओ बनाएं खाना। आज हम बना रहे हैं चॉकलेट केक विदाउट ओवन। बहुत ही सॉफ्ट स्पंज बनता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो थम्स अप दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहे। केक बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप मैदा, 1/2 कप ऑयल, 2 टेबल स्पून चॉकलेट पाउडर, 3 अदद अंडे, 1/2 कप दूध, 1 कप चीनी पिसी हुई, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, 1 टेबल स्पून हमने लिया है। अब हम एक मोल्ड लेंगे जिसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको ग्रीस कर लेंगे ऑयल से अच्छी तरह से। अगर आप लोगों के पास बटर पेपर है तो आप लोग बटर पेपर लगा लें। मैं विदाउट बटर पेपर आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरह से केक बनाएंगे। हम इसके ऊपर डस्ट कर लेंगे थोड़ा सा मैदा और इसको अच्छी तरीके से चारों तरफ हम फैला लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए हमारा मोल्ड पे हमने मैदा लगा लिया है। अब हम एक बाउल में 3 अंडे डालेंगे। बहुत ही ज़्यादा आसान है। अंडे हमारे रूम टेम्परेचर पे हैं, फ्रिज में नहीं रखे हुए थे। तमाम चीज़ें रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। ये केक बनाने की बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग फॉलो करें, वरना केक का स्पंज अच्छा नहीं बनेगा। ये देखिए हमने 3 अंडे ले लिए हैं। अब इसको हम अच्छी तरीके से बीट करेंगे। मैं हाथ से बीट कर रही हूँ। आप लोग अगर हैंड ब्लेंडर है तो आप उससे बीट करिए। मैं आप लोगों की आसानी के लिए बता रही हूँ कि हाथ से भी बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट स्पंज बन सकता है इससे भी विदाउट बीटर। ये देखिए इसको अच्छी तरीके से हमने बीट कर लिया है। बीट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इसको बहुत अच्छी तरह से बीट करना है हमें। ये देखिए अंडे हमारे फ्लफ़ी हो गए हैं। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे हम चीनी। आप 1 मेजरिंग कप रखिएगा जिसके हिसाब से आपने तमाम चीज़ें लेनी है। ये देखिए हमने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया अंडों में चीनी। थोड़ी सी ट्रिक्स हैं जिसको हमें फॉलो करना है। देखिए बाकी अब हम और डाल देंगे सारी चीनी। चीनी को हमने बारीक ग्लैंड कर लिया था। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 2 से 3 ड्रॉप वनीला एसेंस डालेंगे। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अंडों को हमें बहुत अच्छी तरह से बीट करना है। जितने ज़्यादा अच्छा अंडे बीट होंगे उतना अच्छा स्पंज बनेगा। अब हम इसमें 1/2 कप ऑयल डाल देंगे।
और इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। देखिए हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, इस तरह का बैटर तैयार हो गया हमारा। अब हम एक स्ट्रेनर रख के उसमें मैदा डालेंगे। वन एंड हाफ कप हमारे पास मैदा है। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल देंगे, कोका पाउडर डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से हमने छान लेना है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। इसके तमाम लम्स हमें ख़त्म करने हैं। ये देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे हम। अब हम इसमें हाफ कप दूध डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। एक स्मूथ बैटर बनाना है हमें इसका। ये देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हमने। बहुत अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स करना है। देखिए एक स्मूथ बैटर तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरह का होना चाहिए। जब हम इसे चमचे से उठाएं तो इसकी डोर टूटे नहीं, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी बैटर नहीं होना चाहिए। अब हम इसको मोल्ड में डाल देंगे। पूरा बाउल हमने इसको साफ करना है। चाय के टाइम आप बनाइए और चाय के साथ सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी लगता है। बच्चों बड़ों को सबको बहुत पसंद आता है ये। बाहर से केक लाने की ज़रूरत नहीं रहेगी, अगर आप लोगों ने एक दफ़ा ये बना लिया तो आप बार बार बनाएंगे। देखिए अब हमने डाल दिया इसके अंदर। अब हम इसको टैप करेंगे। ताकि इसके और बबल्स निकल जाएं। हमने यहाँ पे प्री हीट करने के लिए एक पतीला रख दिया था बड़े साइज़ का। अब हम इसमें स्टैंड रखेंगे। अब हम इसमें ये मोल्ड रख देंगे। सीधा रखना है हमें इसको बिल्कुल, और इसको कवर कर देंगे। बहुत सॉफ्ट और ज़बरदस्त स्पंज अगर आपको बनाना है तो आपको उसके कवर के ऊपर गीला करके कपड़ा लगाना है। ये देखिए मैंने गीला करके कपड़ा इसके ऊपर कवर कर दिया है
और उसके ऊपर वेट रख दिया ताकि इसकी स्टीम बाहर ना आए। ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इससे बहुत सॉफ्ट बनता है। ये देखिए 45 मिनट बाद अब हम चेक कर रहे हैं इसको। ये देखिए अब हम चेक करते हैं कि हमारा केक तैयार हुआ कि नहीं। अब हम एक छुरी या आप टूथपिक वगैरह डाल के देखिए। ये देखिए मैं छुरी डाल रही हूँ, देखिए बिल्कुल साफ़ निकल रही है। इसमें एक दफ़ा और चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल क्लियर निकल रही है। अगर इसमें लिक्विड लगा हुआ निकले तो इसका मतलब है थोड़ी सी देर और पकाना है आपको। ये देखिए हमारा केक तैयार हो गया। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे और इसको मोल्ड से बाहर निकालेंगे। ये देखिए ये हमने मोल्ड से बाहर निकाल लिया है इसको। बहुत ही सॉफ्ट बना है। ये देखिए मैं आपको काट के दिखाती हूँ। ये चेक कीजिए, इसका स्पंज बहुत सॉफ्ट बना है, बहुत ही यमी बना है। ये देखिए कितनी सॉफ्टनेस है इसके अंदर। ये देखिए ये देखिए अब आप इसको शाम के टाइम चाय के साथ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।